नमस्कार दोस्तों, जीके जीएस के 36th क्वेश्चन में आज हम डेली क्विज में 20 क्वेश्चन करेंगे। एक कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा ताकि आप लास्ट में बता सकें कि आपका स्कोर क्या रहा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन वन से। मूल्य संवर्धित कर को लागू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? विच कमिटी रिकमेंडेड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वैट? ऑप्शन ए कारगिल कमिटी, बी केलकर कमिटी, सी एस के धर कमिटी या डी प्रणब मुखर्जी कमिटी। इनमें से कौन सी ऐसी कमेटी थी जिसने कि इस बात की सिफारिश की थी कि मूल्य संवर्धित कर लागू किए जाने चाहिए? जी, इसका आंसर होगा बी केलकर कमेटी। और इसके अलावा जो गाडगिल कमेटी थी वह एनवायरमेंट से संबंधित है, एस के धर समिति भारत की आजादी के बाद राष्ट्र राज्य पुनर्गठन से संबंधित बनाई गई थी, और प्रणब मुखर्जी बहुत सारी स्टैंडिंग कमिटीज के अध्यक्ष रहे थे। तो आगे बढ़ते हैं। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? व्हाट इज द सेल्स एनर्जी सेल? एनर्जी सेल नहीं होगा, पावर हाउस होगा। पावर हाउस ऑफ सेल क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए लाइसोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम या डी क्रोमोसोम। इनमें से कौन सा कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल? तो पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैग्नीज उत्पादन की दृष्टि से विश्व का अग्रणी राष्ट्र है। In terms of manganese production, which is the world's leading nation? Option A, भारत, B, चीन, C, रूस या D, USA। तो इनमें से कौन सा है जो कि manganese में टॉप पे है? पहले तो मैं आपको बता दूं कि manganese production में नंबर एक पे है साउथ अफ्रीका। पर यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें साउथ अफ्रीका एग्जिस्ट नहीं करता। इन दैट वे जो सेकेंड होगा वो होगा चीन, इसलिए आंसर होगा चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस स्थिति में पेंडुलम घड़ी तेज हो जाती है? इन विच केस डज द पेंडुलम क्लॉक स्पीड अप? ऑप्शन ए गर्मी के दिनों में, बी जाड़े के दिनों में, सी पहाड़ पर ले जाने पर या डी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाने पर। तो इनमें से कौन से टाइम में जो एक घड़ी होती है जिसमें नीचे पेंडुलम होता है जो चलता रहता है जिससे कि घड़ी चलती है, तो वो कब स्पीड अप हो जाती है? जी, इसका आंसर होगा विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर। इसका कारण है दैट मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल शिफ्ट जो होता है उसके कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? हु बिल्ट कीर्ति स्तंभ ऑफ चित्तौड़? ऑप्शन ए राणा प्रताप, बी राणा कुंभा, सी राणा सांगा और डी मानसिंह। तो मानसिंह, राणा सांगा, राणा कुंभा और राणा प्रताप में से किसने विक्ट्री टावर बनवाया था, कीर्ति स्तंभ बनवाया था? आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। जी, यहाँ पे होगा आंसर राणा कुंभा। राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विक्ट्री टावर बनवाया था। नेक्स्ट है सिक्स। प्रथम राष्ट्रीय प्राध्यापक पद से सम्मानित होने का श्रेय किसे प्राप्त हुआ है? वो रिसीव द क्रेडिट फॉर बीइंग अवार्डेड द फर्स्ट नेशनल प्रोफेसर पोजिशन। ऑप्शन ए सी वी रमन, बी विजय सी बोस, सी जे के गोखले और डी मेघनाथ साहा। इन चारों में से किसे फर्स्ट प्रोफेसर के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा चंद्रशेखर रमन यानी के सी वी रमन। यहां पे आंसर होगा ए, भारत की आजादी के बाद सबसे पहले प्रोफेसर होने के तरीके नाम से सम्मानित किया जाता है इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज उठाने वाला प्रथम आदिवासी ग्रुप था? वॉज द फर्स्ट ट्राइबल ग्रुप टू रेज वॉइस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल? ऑप्शन ए भील, बी मुंडा, सी कोल और डी खासी। तो हमें बताना है कि कौन सा एक आदिवासी ग्रुप था जिसने कि सबसे पहले ये मूवमेंट चलाया था, ये क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इन ऑप्शंस में से आप आंसर मारेंगे मुंडा रिवेलियन जो कि हुआ था 1899 में, बिरसा मुंडा ने चलाया था। हालांकि इससे पहले ताना भगत मूवमेंट हो चुका था, सन्यासी रिवेलियन हो चुका था और भी बहुत सारे रिवेलियन हो चुके थे, लेकिन यहाँ पे एक माझी रिविलियन भी हो चुका था। लेकिन यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आप आंसर मारेंगे मुंडा रिविलियन 1899। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्किम को किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा राज्य का दर्जा घोषित दिया गया था? तो सिक्किम वॉज गिवन स्टेट स्टेटस बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल? ऑप्शन ए 22वें, बी 36, सी 53 और डी 56। पिछले अगर आपको सेशन से याद हो तो हमने बात की थी सिक्किम कब शामिल हुआ था। यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? बिल्कुल जी, आंसर होगा 36th अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। याद रखेंगे।
राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमिटी? ऑप्शन ए के डिसा, बी महाजन, सी फजल अली और डी अजय अग्रवाल। इन चार नामों में से कौन थे जो कि राज्य पुनर्गठन आयोग के हेड थे? ध्यान रखिएगा 1956 में ये रिपोर्ट आई थी और फजल अली इस आयोग के अध्यक्ष थे जिनके अनुशंसाओं के आधार पर राज्य का दोबारा से पुनर्गठन हुआ था। जब भारत आजाद हुआ था तो ए बी सी और डी चार सेक्शंस में 14 राज्य थे जो कि बाद में चल करके फिर इनका पुनर्गठन किया गया, जिसके लिए फजल अली जो रिटायर्ड एक जज थे उनको नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, सप्ताह के किस दिन को लोकसभा में गैर सरकारी कार्यों के लिए निश्चित रखा जाता है? विच डे ऑफ द वीक इज फिक्स्ड इन द लोकसभा टू फॉर द प्राइवेट बिजनेस? ऑप्शन ए शुक्रवार, शनिवार, मंगलवार या सोमवार। तो शुक्र, शनि, मंगल, सोम यानी फ्राइडे, सैटरडे, ट्यूसडे, मंडे, इनमें से कौन सा प्राइवेट बिजनेस के लिए फ्री रखा जाता है? जी इसका आंसर होगा ए यानी कि फ्राइडे। फ्राइडे फिक्स्ड रखा जाता है प्राइवेट बिजनेस के लिए, सैटरडे संडे ऑफ होता है, बाकी चार दिन नॉर्मल बिजनेस चलता है जिसे गवर्नमेंट बिजनेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन, श्वेत क्रांति किससे संबद्ध है? व्हाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। ऑप्शन ए चावल उत्पादन से, बी दूध उत्पादन से, सी मांस उत्पादन से और डी चीनी उत्पादन से। तो ये क्वेश्चन जुड़ा हुआ है वर्गीस कुरियन से जिन्हें मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, अमूल यानी आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड की स्थापना की थी। इसके अलावा 1970 के दशक में श्वेत क्रांति लेकर के आए थे जिसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा दूध उत्पादन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रोग में रोगी के जबड़े बैठ जाते हैं यानी विच डिजीज द पेशेंट सफर लॉक जॉ? लॉक जॉ किस डिजीज में होता है? ऑप्शन ए टिटनेस, बी गलसुआ, सी रेबीज और डी ट्यूबरक्लोसिस। तो गलसुआ, रेबीज, ट्यूबरक्लोसिस और टिटनेस में से कब ऐसा होता है कि लॉक जॉ की कंडीशन उत्पन्न होती है? जी आंसर होगा ए यानी कि टिटनेस, टिटनेस की कंडीशन में ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमानीदार घड़ी से संचित ऊर्जा है, विच व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड बाय अ स्प्रिंग क्लॉक? तो ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, बी पोटेंशियल एनर्जी, सी ए एंड बी और डी नो एनर्जी। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये है कि अगर वो स्प्रिंग क्लॉक होती है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है और जब वो घूमती है तो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूमिंग कृषि किससे संबंधित है? हु इज और व्हाट इज एसोसिएटेड विद झूमिंग कल्टीवेशन? ऑप्शन ए जनजाति कृषि, बी आधुनिक कृषि, सी उद्यान कृषि या डी सामाजिक वानिकी कृषि। यहाँ पे समझ लेना जरूरी है कि स्लैशन बर्न कल्टीवेशन या कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं इसे और भी अन्य नामों से जाना जाता है। विश्व के सभी देशों में लगभग प्रिमिटिव एग्रीकल्चर के रूप में देखी जाती थी जहां पे जनजातीय लोग रहते हैं वो क्या करते हैं कि जंगली क्षेत्र में एक छोटे से हिस्से को जला देते हैं, वहां पे खेती करते हैं 2 से 3 वर्ष और फिर 12 से 18 वर्षों के लिए उसे खाली छोड़ देते हैं। तो जो 2 to 3 ईयर्स की जाती है इसे स्थानांतरित कृषि या शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं और फिर 12 से 18 वर्ष के लिए उस क्षेत्र को छोड़ दिया जाता है उपजाऊ पड़े रहने, उपजाऊ होने के लिए। तो दिस काइंड ऑफ कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन इन दिस वे। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस तिथि को मनाया जाता है तो नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 जनवरी, बी 30 जनवरी, सी 15 जनवरी या डी 1 जुलाई। तो आपको इन चार क्वेश्चंस ऑप्शंस में से आंसर देना है कि राष्ट्रीय यूथ दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय यूथ दिवस मनाया जाता है विवेकानंद जी के जन्म दिवस के दिन पर, तो ये होता है 12 जनवरी को, इसका आंसर होगा 12th ऑफ जनवरी। 30 जनवरी को शहीद दिवस होता है क्योंकि उस दिन महात्मा गांधी का इंतकाल हुआ था और 15 मार्च को इंटरनेशनल उपभोक्ता यानी कंज्यूमर डे होता है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन में मिलने से पहले मकाओ किसका उपनिवेश था? हूज कॉलोनी वॉज मकाओ बिफोर इट केम अंडर कंट्रोल ऑफ चाइना? ऑप्शन ए यूएसए, बी पुर्तगाल, सी फ्रांस और डी जर्मनी। इनमें से किसका उपनिवेश था चीन में मिलने से पहले मकाओ? मकाओ एक चीनी उपनिवेश के रूप में है और ये जब चीन के पास आया उससे पहले ये पुर्तगाल के कब्जे में था। 1557 में ये लीज साइन की गई थी पुर्तगाल के कब्जे में आने के लिए, तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंतरिक्ष से संबंधित मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी कहाँ सुलभ है?
वेयर इज द मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी रिलेटेड टू स्पेस इन इंडिया एक्सेसिबल? ऑप्शन ए श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, बी चांदीपुर उड़ीसा, सी थुम्ब केरल या डी हासन कर्नाटक। आपको इनमें से बताना है कि मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी कहां पे है। ध्यान रखेंगे मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी हासन कर्नाटक में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम किस जगह होता है? वेयर इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स अलकनंदा एंड मंदाकिनी? ऑप्शन ए अलाहाबाद, बी रुद्रप्रयाग, सी गया और डी वाराणसी। तो आंसर देखते हैं, देखिए अलकनंदा और मंदाकिनी दोनों ही उत्तराखंड में मिलती हैं एक दूसरे से, और फिर बाद में जाकर के अलकनंदा मिल जाती है भागीरथी से, और इस तरीके से वहां पे देवप्रयाग बनता है। जहां पे अलकनंदा और मंदाकिनी एक दूसरे से मिलती हैं उसे रुद्रप्रयाग कहते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम का आदर्श वाक्य, मोटो ऑफ सत्यम शिवम सुंदरम, ऑप्शन ए दूरदर्शन, बी आकाशवाणी, सी रेलवे या डी एयर इंडिया। तो इनमें से किसका मोटो है सत्यम शिवम सुंदरम? आसान क्वेश्चन है, क्योंकि जब दूरदर्शन का निर्माण हुआ तो दूरदर्शन ने अपना मोटो रखा सत्यम शिवम सुंदरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक है? Which state of India has more females than males? Option A Rajasthan, B Uttar Pradesh, C Kerala और D Andhra Pradesh। तो अंतिम क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में पुरुषों की संख्या से स्त्रियों की संख्या ज्यादा है? आंसर होगा जी सी केरल। तो यहाँ पे सेक्स रेशियो अधिक है महिलाओं का। इस तरीके से आज का सेशन समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा। थैंक यू सो मच।